ये बंदा मेरे साथ आया, ये परेशान, और मैं इसके साथ आया, मैं परेशान। अच्छा, हर किसी का अलग रेट है, हर किसी का अलग रेट भाई। तो दुकान पे कभी भी आओ ना, तो हर भाई से रेट अलग पूछना। ये हमारे ट्रैफिक पुलिस काम करते हुए पूरी शिद्दत से एक का चलान करते हुए यहाँ पर फोन में लगे हुए हैं ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल। बाइक चलती नहीं दिल्ली में, तो मैं चोरी करके भी नहीं भाग सकता। अगर धूम तेरी दिल्ली में बनी होती ना, मैं बता रहा हूँ, पुलिस वाले पकड़ते थप्पड़ और मारते उसके। अरे साले तुझे दिल्ली में नहीं धूम भाग भगाने के लिए। अबे यार नोएडा साइड चले जाओ यार, इतने अच्छे रोड है भाई। गुड़गांव पॉपुलेशन तो हर जगह है यार, मगर गुरुग्राम में देखना कितने अच्छे अच्छे रोड है। दिल्ली में थोड़ी बहुत जगह ऐसी है ना, चांदनी चौक हो गया और सदर बाजार हो गया, कि यहाँ की भीड़ जिंदगी में ख़त्म नहीं हो सकती। जिंदगी में पता नहीं, दिल्ली में फास्ट एंड फ्यूरियस 7 बनाओ तो कार भागेगी मेट्रो के ऊपर। अबे भाई तभी दिल्ली में कोई रेसिंग मूवी नहीं बनती, क्योंकि पहली चौक पे तो तुम भाग लोगे, दूसरी चौक पे पुलिस वाले थप्पड़ मारे तुम्हारे खिंचा के। काम आ गया था भाई साहब। आ गए हम करोल बाग नाई वालन, यहाँ सारी बाइक मॉडिफाई होती है, कैसी भी बाइक मॉडिफाई कराओ, देखते हैं। मुझे तो कुछ ज़्यादा कराना नहीं है, लगेज कैरियर लगवाना है, एलईडी लगवानी है, और बैग लेना है मुझे, साइड बैग जैसे उन्हें स्लाइडर कहते हैं। एक शॉप पे पता करता हूँ यहाँ से क्या रेट है, यहाँ के क्या नहीं है। भाई बंदे लगेज कैरियर लगवाना है, लगेज कैरियर पेटीएम में पेज कर लिया था क्या मेरा, कितने पड़ेगा भैया? इसमें तो बना के लगाना पड़ेगा, प्रॉपर लेना है, मेन रोड पर चाइना वाला है उस पर चले जाओ, बना के लगाना पड़ेगा। ये क्या खर्चा आएगा? पहले पहुँचे एक बंदे थे, उन्होंने बोला भाई हमसे ना हो पाएगा, चाइना वाले पे जाओ। अब जा रहे हम चाइना वाले पे। ये बुलेट के ना लगेज कैरियर हर किसी के पे होते हैं, बुलेट को इतनी कॉमन हो गई ना, हर गली में है, हर गली में बुलेट ले रखी है बंदों ने। पता नहीं यार KTM के लगेज कैरियर है ही नहीं, और है तो इतने कॉस्टली लगेज कैरियर है, हद ही है, इतने कॉस्टली लेके बंदा करेगा क्या बिना फालतू की। ये देखिए सुपरमैन की गाड़ी ऊपर, अशोका के ऊपर पार्किंग करके गए सुपरमैन सर। आई होप दिख रही होगी आप लोगों को, दिखी स्विफ्ट डिजायर। तो अब चाइना वाले पे चलते हैं, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको कौन है वो चाइना वाला। भाई ये चाइना वाला किधर है?
चाइना वाला सीधा चाइना वाले का भगवान 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा चाइना वाला मिल जाएगा तो मुझे। यहाँ से राइट जहाँ से हम आए थे सीधे रास्ता है भाई मुझे तो मिला नहीं चाइना वाला। अब हम जा रहे कहीं और बोला ना इसे आपने लेबर इसने बोला 1000 रुपये। अरे ये पहले आए थे यार पहले आए थे तुमसे बात हुई है और बोलो देख रहे किससे हुई है तुमसे हुई है तो बैग रेस्ट लगा के दिखा रहे थे। अरे अंदर बैठे थे ये भाई साहब अंदर पेरवेड इन्हीं से पूछा था तो वो बैठा था कभी तो इन्फॉर्म करके आना भाई कितने का लगा रहे सब बंदों का लग रेट है यहाँ पे ठीक है। अभी भी लगवा लो 400 तक जाएगा 200 में तो खैर पूरे मार्केट में कोई नहीं लगाएगा। इसका जो एक्चुअल रेट बताओ ना तो 450 रुपये लगा दें और वो भी जुगाड़ है। अगर बुलेट का होता ना तो यही 150 में लगा के देता क्योंकि तो उसमें क्या ज़्यादा कुछ है नहीं ये आपका जुगाड़ हो। पहले मैंने बुलेट में लगेज कैरियर लगवाए थे ना 400 रुपये में बहुत सस्ते में लग जाते हैं और साइड साइड वाले आते हैं ना वो परमानेंट रहते हैं। उसमें क्या दिया वो जेन्युइन फिटिंग है उसकी प्रॉपर उसमें इतना टाइम नहीं लगता। लगाओ यार अच्छी एडवाइस देता हूँ पहले ना रेट कंफर्म करना ठीक है। एलईडी एलईडी लाइट्स फुल ट्रिप हैंड गार्ड और वो बैकरेस्ट जो दो बंदा लगा रहा है वो बैकरेस्ट है। जितनी चीज़ें नीड चाहिए होती है ट्रिप के लिए सारी ले चुका हूँ बस ये सैडल बैग रह गया है। बोल कोरोल बाग में सारा काम हो जाता है लेकिन कस्टमर लेबर नहीं दे पाता बाहर नहीं हो पाएगा जो काम वो काम करोल बाग में हो जाएगा लेकिन कस्टमर लेबर नहीं दे पाता। मगर लेबर तो ऐसे मांगो यार तुम लोग की लेबर तो लेबर मांगा था मतलब 30,000 रुपये की तुम 1000 रुपये लेबर मांग रहे हो तो बंदा अपना काम छोड़ के करोल बाग में ना काम करने लग जाए। सर एक लाख की गाड़ी लेकर 3 लाख लोग ऊपर लगवा देता है क्या 1 लाख की गाड़ी ली अरे वो तो सामान भी तो लगवाता है सामान भी तो लगवाता है वो लेबर की बात कर रहे हैं लेबर लेबर 3 लाख लगवाएगा तो नई गाड़ी नहीं बनवा लेगा KTM। अगर करोल बाग में सारी चीज जायज हो ना तो बंदा आके ये ना पूछे कि भाई तू कितने पैसे ले रहा है भाई ये लगा दे अगर मैं उससे वो लगवा लेता हूँ मेरे से बाद में बोलता भाई 1000 रुपये हो गए मैं क्या बोलता उसे मैं क्या बोलता उसे तो फिर भाई निकल रहे हैं हम करोल बाग से। सबसे बुरा दिन गया करोल बाग में मेरा सबसे बुरा दिन एक बंदा चिल्ला रहा है दूर से भाई यूट्यूबर है। अबे यार इतना बुरा दिन गया ना सीरियसली इतना बुरा दिन गया आज का क्या बताओ इन्हें सब बंदे के अलग रेट सबके अलग अपने बोल कि भाई इतने का नहीं करेंगे इतने का नहीं करेंगे इतने का नहीं करेंगे पता नहीं क्या करोगे यार तुम लोग। ज़िंदगी में कभी भी आऊँगा मगर ये नहीं कह रहा यार इस दुकान पर नहीं आऊँगा अगर आऊँगा अगर मुझे अच्छे रेट मिलेगा मगर तो कस्टमर परेशान कर दिया इन्होंने ये तो है बिल्कुल परेशान कर दिया। मतलब आता है एक बंदा मन से आते कि हाँ अगली बार इस दुकान पे आऊँगा इतना अच्छा काम किया है वो सही है उस बंदे ने फिटिंग विटिंग सही अपने चार्ज लिए हैं पता नहीं यार क्या होगा। अब लेना है सैडल बैग सैडल बैग देखते हैं मिल जाएगा कहीं ना कहीं से 1000 रुपये तक का तो मिल ही जाएगा सैडल बैग पे क्या जाना पे कह रहे थे 4200 रुपये 4200 रुपीज़ और इस बंदे ने बोला 1500 रुपये तो आते आते 1300 पे ले आया प्लस लेबर चार्ज लग के मुझे 1500 रुपये पे करने पड़े उसे
बट जैसे भी था, जो सरदार जी और जाना का है ना वो विदाउट बैक रेस्ट है, याद रखना। और जो ये यहाँ से लिया है मैंने, ये विद बैक रेस्ट है। तो कभी भी अगर आपको बैक रेस्ट के साथ लेना हो ना, तो बहुत बेटर है कि आपके पास यही ऑप्शन है कि आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये एनफील्ड का जुगाड़ किया है मेरी बाइक में। और इतना है कि 15 से 20 किलो में सामान रख सकता हूँ। एक सैडल बैग ले लूँगा और एक ये सामान पीछे रख लूँगा, मेरा पूरा सामान हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं किसी ठंड वाली जगह पर जाऊँ, कुछ जैकेट या कुछ कम ले के जाऊँ। अब इन भैया से पूछते हैं सैडल और बैग। एक तो गोल्डन बाइक्स है, इसका तो देखा ही होगा आपने रिव्यू। अभी मैंने लिया ये सैडल बैग 900 रुपये का, 700 रुपये से कैसे दिया ना। 900 रुपये का सैडल बैग है, और ये है मलिक प्रॉपर्टी आए होगा ना आप यहाँ, तो उसके सामने दुकान है ये अहाबो मॉडिफाइड मस्जिद, इसके सामने ये दुकान है भाई। बहुत सही है, मतलब ना आप कहीं से भी लोगे ना, आपको 1000-2000 से कम मिलेगा ही नहीं बैग। मतलब अभी मैंने देखा 1000-1000 रुपये के सैडल बैग देखे हमने, और इतने घटिया सैडल बैग थे ना। चलाएगा? मैं नहीं चला रहा, मैं बैठूंगा पहले। फिर तू बैठ पहले। ये बैक रेस्ट लगवा दिया मैंने, इस बंदे को बैठने की बड़ी दिक्कत हो रही है। बैठ भाई, तू पहले पीछे ले ले भाई, क्या अगर वरना दिक्कत हो जाएगी। नहीं मैं ले लूँगा पीछे। तो आओ, तो सैडल बैग आओ, वो मॉडिफाइड एक्सेसरीज बेटर है। 900 रुपये में सैडल बैग दिया है। सैडल बैग में ये होता है ना कि आपका ज़्यादा कर बैग नहीं है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका सामान भी आ जाए, पिलियन भी बैठ जाए। पिलियन मतलब होता है पीछे का बंदा, ठीक है, तो पिलियन भी बैठ जाएगा आपके, इसमें सैडल बैग भी हो जाएगा जुगाड़। तो चलिए, मैंने आपको बैग रेस्ट का बता दिया, लगेज कैरियर का बता दिया, सैडल बैग का बता दिया। देखो मैं बता दूँ क्या होता है, जो ये मैंने अब आपको सारी सबके रेट बताता हूँ। जो ये मैंने लगवाया है ना, ये आप देख रहे हो, ये मेरे हैंड गार्ड है। ये हैंड गार्ड पड़े हैं मुझे, ये पूरी मार्केट में थे, गोल्डन बाइक वाले के साथ में एक छोड़ के दुकान है, वहाँ से ले लेना, 1100 रुपये के लगा देगा। वैसे पूरी मार्केट में कहीं मिलेंगे नहीं आपको, ये 2-3 दुकानों पर मिलेंगे, कोई 1200 से नीचे नहीं देगा, वो 1100 के लगा देगा। तो ये है LED लाइट नीचे की, ये मैंने लगवाई है 950 रुपये की, फिटिंग के साथ लगी है, 100 रुपये की फ़िटिंग उसने ली है। दो चीज़ ये मोबाइल, ये तो मोबाइल चार्जिंग, ये है मोबाइल का होल्डर, इसमें ये रहा चार्जिंग का सिस्टम है इसमें नीचे। ये मैंने लगवाया है 900 रुपीज़ का, लगवाने के बाद 100 रुपये लगाने के लिए उसने 1000 रुपये का मुझे पड़ा है, ठीक है। और अगर आप लेना चाहते हो ना, एक कंपनी आती है 1600 रुपये का है उसका, उसकी एक साल की गारंटी है, आप वो ले लो, सबसे बेटर वो रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें एक साल की गारंटी पानी की भी होती है। तीन चीज़ ये LED लाइट बता दी मैंने आपको, हैंड कार्ड बता दिया, चार्जिंग बता दिया, और सबसे मेन चीज़ है इसका बैक रेस्ट। बैक रेस्ट मुझे 1500 रुपये बोले थे, तो मैंने 1300 रुपये दिए उसे, और मतलब उसकी लेबर के साथ 200 रुपये सही लिए लेबर, क्योंकि हर जगह 300 मांग रहे थे, उन्होंने 200 रुपये मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया। और कितना है कि मैं 20 किलो तक सामान लगा सकता हूँ। और लास्ट चीज़ लिया मैंने सैडलर बैग, इस बैग्स में सामान डाल सकता हूँ मैं, मतलब 10 किलो एक जगह, दूसरी 20 किलो तक सामान डाल सकता हूँ, और मैं अकेला बंदा हूँ, तो मेरी सोलो ट्रिप है, तो मुझे लगता नहीं मैं इतना सामान लेके जाऊँगा। बट ठंड है, जितनी भी ठंड में जितना सामान लेके जाओ उतना ही कम है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो ना, तो इसे शेयर कर देना उन लोगों पर जिन पर KTM है या कोई भी बाइक है, उन्हें बता देना कि क्या क्या नीड होती है बाइक में। और हाँ, एक लास्ट चीज़, हैज़ल जो दिख रही है आपको, ये जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, दिख रही होगी ये री, ये ना जैसे आप मस्जिद के आगे एक दुकान है सरदार जी की, ठीक है, उस पर जाना, ये आपको 450 रुपये के हैज़ल मिलेंगे, 100 रुपये बंदा लगाने के लेगा, 550 लेगा, और आपको देगा 3 महीने की गारंटी। ये पानी वानी जाता है, कुछ भी जाता है, 3 महीने की गारंटी मिलेगी आपको, बस ये चीज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो ट्रिप करते रहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे, ये चैनल मैंने बनाया इसलिए कि लोगों को बताओ कि ट्रिप कैसे करें और अफोर्डेबल प्राइस में कहाँ कहाँ करें, इसलिए। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसमें लिंक मिल जाएगा, या आपको मेरा नाम मिल जाएगा, वहाँ मुझे सर्च आउट कर सकते हैं। वहाँ मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ की अपडेट देता रहता हूँ, और वो वहाँ पे मेरे ब्लॉगर्स
क्योंकि ब्लॉक्स भी वहीं होते हैं। तो चलिए सिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times.